दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय के बाद आईपीएल के दूसरे चरण का बिगुल बजने वाला है। दूसरे चरण का पहला ही मुकाबला आईपीएल की दो धाकड़ टीमों के बीच में होगा, जहां एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह की धोनी वाली चेन्नई सुपर किंग्स होगी, जिनके बीच में हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के साथ साथ ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है एक सफल कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आईपीएल के दूसरे चरण का आयोजन 19 सितंबर से दुबई और ओमान के मैदान पर होना है। दूसरे चरण का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो इस मुकाबले में बेहद ही मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि पहले मुकाबले में दो प्लेसेस की जगह रॉबिन उथप्पा टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि डुप्लेसिस हाल ही में चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से वो शुरुआती मैच में आराम करना चाहेंगे। वहीं उनका साथ देंगे ऋतुराज गायकवाड़, पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि तीसरे नंबर की जिम्मेदारी संभालने के लिए आएंगे सुरेश रैना, जो कि पूरी तरह से तैयार है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए टीम में अंबाती रायडू मौजूद होंगे, जबकि पांचवे नंबर पर तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि छठवे नंबर पर रविंद्र जडेजा और सातवें नंबर पर सैम करन की जगह इस मुकाबले में ड्वेन ब्रावो खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आठवें खिलाड़ी के रूप में शार्दुल ठाकुर और बतौर ऑलराउंडर टीम में अपनी जगह बनाएंगे, जबकि नौवें खिलाड़ी के रूप में दीपक चहर और दसवें खिलाड़ी के रूप में लुंगी एंगिदी और ग्यारहवें खिलाड़ी के रूप में मिशेल सैंटनर खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो कि मुंबई इंडियंस से भिड़ते हुए नजर आएगी। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो ये टीम भी चेन्नई को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस टीम में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के लिए बेहद ही शानदार रहा है और दोनों ने टीम को बेहतर शुरुआत दिलवाई है। वहीं इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम में सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। ये कहना गलत नहीं है कि इस युवा बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है, जबकि दोस्तों चौथे नंबर के स्थान पर ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन ने भी मुंबई इंडियंस के लिए काफी रन बनाए हैं, जिसके बाद उनका T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन हुआ है। वहीं पांचवें नंबर पर कैरेबियन स्टार ऑलराउंडर कायरन पोलार टीम में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि ये खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभाशील खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी के साथ साथ ये गेंदबाजी में भी मुश्किल परिस्थिति में टीम की काफी मदद करते हैं और इन्होंने जीत दिलवाई भी है। जबकि छठवें नंबर पर भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से अपनी लय को पकड़ने में अब दिखाई दे रहे हैं और आईपीएल में वो अपने जलवे बिखेरने के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों सातवें नंबर पर उनके भाई कुणाल पांड्या को टीम में जगह दी गई है। पिछले कुछ समय से कुणाल पांड्या बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका मिला था। इसके साथ ही दोस्तों आठवें नंबर पर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम को मौका दिया गया है। जिमी नीशम के पास वो काबिलियत है कि वो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना जौहर दिखा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों नौवें नंबर पर राहुल चहर टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। इस युवा गेंदबाज ने अपने स्पिन के दम पर कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, जबकि दसवें नंबर पर टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह तो पहले से ही तय मानी जा रही है। वहीं ग्यारहवें खिलाड़ी के रूप में ट्रेंट बोल्ट अपनी जगह बनाएंगे। दोस्तों ये थी वो प्लेइंग 11 जो मुंबई इंडियंस के द्वारा घोषित की गई है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ पहले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएगी। और दोनों इस मुकाबले में एकदम मजबूत टीमें हैं, तो मुकाबला भी टक्कर का होने वाला है। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, चेन्नई या फिर मुंबई, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।